अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में पढ़ना है। ये आपको बता दूं कि किडनी हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन के तौर पे भी जाना जाता है। इसका काम ये है कि हमारी बॉडी से इम्प्योरिटीज को दूर करता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज, फालतू और फासद मादे होते हैं, ये एक तो ब्लड को फिल्टर करता है, और ब्लड को फिल्टर करने के बाद जितने भी इम्प्योरिटीज हैं, फालतू और फासद मादे हैं, उनको यूरिन के जरिए से इलिमिनेट कर देता है, खारिज कर देता है। आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना है कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो हम रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। किडनी आर डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन। किडनी जो है वो डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन है, बीन की तरह का इसका स्ट्रक्चर है, डार्क रेड कलर है इसका। Each kidney is 10 centimeter long. हर किडनी जो है, दोनों किडनी है, यानी एक किडनी जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, अडल्ट के अंदर 5 सेंटीमीटर वाइड है एंड 4 सेंटीमीटर थिक है, एंड वेट अबाउट 120 ग्राम। इसका जो वजन है वो 120 ग्राम है। दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट अ बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायाफ्राम। अब ये डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे, ये जो हमारी अब्डोमिनल कैविटी है, ये कैविटी अब्डोमिनल कैविटी है। अब ये रिब्स को अलहदा करने वाला या लंग्स को अलहदा करने वाला स्टोमिक से डायाफ्राम कहलाता है। यहाँ एक पर्दा होता है, ठीक है, उसको डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम से ये बिल्कुल नीचे जो है, यहाँ पे किडनी प्रेजेंट है। ये थोड़ा रिब्स के अंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर में है, लेकिन रियल में ये थोड़ा नीचे होते हैं, रिब्स से नीचे की तरफ, ठीक है। ऑन द आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम की तरफ, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं रीढ़ की हड्डी को। ये दोनों इनका जो झुकाव है, ठीक है, ये जो इनका हाइलस पार्ट है वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ या साइड पे होता है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट टू रिब्स। इनको प्रोटेक्शन फ्राहम कर रही होती हैं दो आखिरी पसलियां, राइट रिब्स जो है या लेफ्ट रिब्स, लास्ट वाली दो रिब्स इनको तकरीबन जो है वो प्रोटेक्शन फ्राहम कर रही होती हैं इंजरीज वगैरह से। द लेफ्ट किडनी इज अ लिटिल हायर देन द राइट, ठीक है, जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी छोटी है राइट की निस्बत, इनके साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है। द कंकेव साइड ऑफ द किडनी फेसेस वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब जो इसकी कनकेव साइड है, ठीक है, ये साइड इसकी कनकेव साइड है, इसका जो फेस है वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है। वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं रीढ़ की हड्डी को। आपको पता है कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बिल्कुल ये बैक साइड पे है, ठीक है, जिसको हम मोहरे भी कहते हैं। इसका जो कनकेव साइड है वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है। देयर इज अ डिप्रेशन, यहाँ पे देखें ये डिप्रेशन है, ठीक है, ठीक है, ये इसका डिप्रेशन सा बना हुआ है, ये इसका डिप्रेशन है, ठीक है, कॉल्ड हाइलस। इस एरिया को हमने कहना है हाइलस, ठीक है, नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ किडनी, ठीक है। अब ये जो कनकेव एरिया है किडनी का, इस तरफ ये जो हाइलस है, ठीक है, ये एक हल्का सा डिप्रेशन है जिसको हम हाइलस का नाम देते हैं। दिस इज द एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूरेटर लीव्स किडनी एंड अदर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व एंटर एंड लीव किडनी। हाइलस स्टूडेंट्स एक ऐसा एरिया है जहां पे एक तो यूरेटर जो है वो निकलती है, ये यूरेटर है जो कि यूरिन को लेकर ब्लॉडर के अंदर आती है, यूरिनरी ब्लॉडर के अंदर आती है। दूसरे नंबर पे इस हाइलस एरिया के अंदर आर्टरी जो है वो ब्लड की वो किडनी के अंदर एंटर होती है, और वेन्स जो है वो किडनी से निकलती है, और उसके बाद बहुत से नर्व्स जो है, नर्वस सिस्टम के जो स्ट्रक्चरल यूनिट हैं वो किडनी के अंदर इस हाइलस एरिया के जरिए से ही एंटर हो रहे हैं और निकल रहे हैं, ठीक है। यू स्टूडेंट्स आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसका लेते हैं ऑफ किडनी का, शो टू रीजन्स रीनल कॉर्टेक्स। अब अगर हम इसका तुलित राशा लेते हैं, कट करते हैं इसको, तो देखते हैं कि एक इसका सर्फ एरिया जो है यहाँ पे प्रेजेंट। रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी एंड इट इज डार्क रेड इन कलर। अब बात हो रही है स्टूडेंट इसके मोस्ट आउटर लेयर की, ये किडनी का स्ट्रक्चर है। अब मोस्ट आउटर जो इसका एरिया है वो कहलाएगा रीनल कॉर्टेक्स।
रीनल कॉर्टेक्स से अंदरूनी एरिया इसका कहलाएगा रीनल मेडोला, ठीक है। रीनल मेडोला का कलर जो है ये थोड़ा इससे डिफरेंस होगा। रीनल मेडोला इज द इनर पार्ट ऑफ द किडनी एंड इज पेल रेड, ठीक है, ये पेल रेड होगा है कलर में। उसके बाद रीनल मेडोला कंसिस्ट ऑफ सीवरल कोन शेप्ड एरियाज कॉल्ड रीनल पिरामिड्स। अब जो रीनल मेडोला है, यहाँ रीनल मेडोला जो है ये कोन शेप्ड पिरामिड्स की शक्ल अख्तियार करेंगे। ये कोन शेप्ड पिरामिड्स हैं, ठीक है, ये हैं कोन शेप्ड पिरामिड जिनको रीनल पेल्वस कहते हैं। इनकी जो एंडिंग है वो स्टूडेंट्स यूरिटर के अंदर आके खुलती है, ताकि यहाँ से जो इम्प्योरिटीज हैं वो यूरिन के जरिए या जो यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है वो इस एरिया से यूरिटर के अंदर आती हैं, और यूरिटर से फिर ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर से इसको यूरिथ्रा के थारो इलिमिनेट कर दिया जाता है। स्ट्रक्चर की समझ आ रही होगी, आगे पढ़ते हैं। रीनल मेडोला कंसिस्ट ऑफ द सीवरल कोन शेप्ड एरिया कॉल्ड रीनल पिरामिड। ये मैंने रीनल पिरामिड का स्ट्रक्चर आपको दिखाया। रीनल पिरामिड प्रोजेक्ट्स इनटू अ फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्वस। ये फनल शेप कैविटी यहाँ पे बन जाएगी, फनल शेप, और ये आके जो यूरिटर्स होगा उसके अंदर आके यूरिन को अंडे लेंगी। Which is the base of the ureter. अब जो pelvis है, ठीक है, इसके अंदर, अब दोबारा इसको read कर ले। Renal pyramids project into a funnel shaped cavity called renal pelvis. अब ये funnel shaped cavity के जो है ये pelvis के अंदर आके joint होगी। Which is base of ureter, जो के base है ureters की। यहाँ से जो ureters है यहाँ से निकलती हैं तमाम के तमाम pyramids के। Renal pelvis base ureters में आके जुड़ती हैं, और यूरिटर जो है इस यूरिन को लेकर चला जाता है यूरिनरी ब्लॉडर के अंदर, ठीक है। उसके बाद द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोन। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके फंक्शन यूनिट की। फंक्शनल यूनिट इसका नेफ्रोन है, यानी नेफ्रोन इसके अंदर प्रेजेंट है, जो कि आप नेफ्रोन को स्मॉल फिल्टर भी कह सकते हैं। नेफ्रोन एक ऐसा पार्ट है हमारे किडनीज के अंदर जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और इम्प्योरिटीज को दूर करता है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि एक ही फिल्टर है, नेफ्रोन फिल्टर, और फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रोन है। अब नेफ्रोन का स्ट्रक्चर देखते हैं। देर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रोन इन ईच किडनी। तकरीबन 10 लाख जो नेफ्रोन है वो एक किडनी के अंदर प्रेजेंट है, दूसरी किडनी के अंदर भी 10 लाख, टोटल 20 लाख नेफ्रोन हुए जो कि हमारी किडनीज के अंदर प्रेजेंट है, और ये इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए फिल्टर का काम कर रही है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं नेफ्रोन का। देर आर टू पार्ट्स ऑफ नेफ्रोन, दो पार्ट्स हैं नेफ्रोन के। सबसे पहले है एक रीनल कार्पसल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है, दो पार्ट्स हुए। सबसे पहले रीनल कार्पसल्स को देखते हैं। द रीनल कार्पसल इज Not tubular and has two parts. Renal जो corpuscles है वो tubular structure उसका नहीं है, इसके दो parts हैं, ठीक है। Renal corpuscles के सबसे पहले है glomerulus, ठीक है, दूसरे नंबर पे है bovine capsule, ठीक है। अब मैं आपको उसकी slide भी दिखा देता हूँ और structure में दिखा देता हूँ glomerulus और bovine capsule, लेकिन यहाँ पे reading कर लें आप। अब glomerulus जो है इज अ नेटवर्क ऑफ कैपलरीज। अब ये क्या है कि ये एक जंक्शन है ब्लड कैपलरीज का, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरल्स। व्हाइल बोमेन कैप्सूल इज अ कैप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इनक्लोजेस ग्लोमेरल्स। अब जो बोमेन कैप्सूल है, ठीक है, अब यहां पे मैं ड्रा करता हूं, ये कह सकते हैं आप बोमेन कैप्सूल है, और ये जो इसके अंदर कैपलरीज का जंक्शन है, जाल है ब्लड कैपलरीज का, इसको आप कह सकते हैं कि ये ग्लोमेरल्स है, ठीक है, और ये बोमिन कैप्सूल है। स्ट्रक्चर आगे मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूं, ठीक है। उसके बाद द रीनल ट्यूब्यूल इज द पार्ट ऑफ नेफ्रोन विच स्टार्ट आफ्टर बोमिन कैप्सूल। रीनल ट्यूब्यूल एक ऐसा एरिया है जो कि बोमिन कैप्सूल्स के बिल्कुल बाद स्टार्ट होता है। अब जैसे ही रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है और इसके अंदर एक दो कर्व आती है, वो पोर्शन क्या कहलाएगा? इट्स फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बोमिन कैप्सूल जैसे ही स्टार्ट होता है, पहली ही कर्व रीनल ट्यूब्यूल्स की है, उस एरिया को हम कहेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। उसके बाद यही नेक्स्ट पोर्शन जो है, नेक्स्ट पोर्शन इज यू शेप्ड। अब
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब का अगला एरिया यू शेप्ड है, ठीक है, वो इस शेप में होगा, ठीक है। अब एंड इज कॉल्ड अ लूपो फेनले। अब जो इसका नेफ्रोन का यू शेप्ड एरिया है उसको हम कहेंगे लूपो फेनले, ठीक है। द लास्ट पोर्शन ऑफ द रीनल ट्यूबुल इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। जैसे हमने बोमिन कैप्सूल से स्टार्ट में देखा था कि पहला इसका एरिया बलदार जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, और उसके बाद लूप है, इसको हम लूपो फेनले कहते हैं। जैसे ही लूपो फेनले खत्म होगी वहां पे एक और बलदार एरिया स्टार्ट होगा, इसको हम कहेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो है वो आके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर शामिल होगा, ठीक है। यहाँ पे बोमिन कैप्सूल और ये जो है ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये लूपो फेनले और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स, और इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहेंगे। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। अब द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। बहुत सी जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स हैं वो आके कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जो है यूरिन के फॉर्मेशन को अंडेलती हैं। अब ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म सेवरल हंड्रेड कैपिलरी डक्ट्स व्हिच ड्रेन इनटू रीनल पेल्विस। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स है हंड्रेड की तादाद में इसको पेपिलरी डक्ट्स के साथ जोड़ती हैं, और रीनल पेल्विस एरिया से ये यूरिन जो है ये यूरिटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है। हम देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे। स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि बोमिन कैप्सूल्स या और ग्लोमेरल्स पहला पार्ट जो है वो मुश्तमिल है, जो कि नॉन ट्यूब्यूलर्स है वो बोमिन कैप्सूल है। ये एरिया बोमिन कैप्सूल है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया ये जो कैप्सूल शेप है प्याला दमा, ठीक है, इस प्याले को कहेंगे हम बोमिन कैप्सूल। ये वो स्टूडेंट्स आर्टरीज हैं जो नेफ्रॉन के अंदर एंटर होती हैं, जिनके अंदर ब्लड आता है, जिसने प्रेशर फिल्ट्रेशन से फिल्टर होना है। ये तमाम का तमाम ये जो गुच्छा सा बना हुआ है इसको हम ग्लोमेरल्स कहेंगे, ठीक है। अब क्लियर है, ग्लोमेरल्स के बाद जो है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया नेफ्रॉन का। ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो बोमिन कैप्सूल्स के बिल्कुल बाहर स्टार्ट होगा, इस एरिया को हम कहेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब का एरिया है जो कि बोमिन कैप्सूल्स के बिल्कुल बाद ये एक दो बल खा रहा है। इस बलदार एरिया को जो कि बोमिन कैप्सूल से स्टार्ट हो रहा है इसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स का नाम देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक यू शेप स्ट्रक्चर बनेगा। ये यू शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हमने कहना है लूप ऑफ हेनले। ये यू शेप स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले कहलाएगा। अब ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स है जब ये नीचे की तरफ आ रही है इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग लिंब, या इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग एंड, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर की तरफ जा रही है यू शेप में, इसको कहेंगे असेंडिंग लिंब, ठीक है। ये डिसेंडिंग नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, असेंडिंग लिंब। अब मैंने बताया था आपको कि ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स बोमिन कैप्सूल के बिल्कुल बाद स्टार्ट हो रही है। उसके बाद लूप ऑफ हेनले जब कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जाती है तो उससे पहले का बालदार हिस्सा कहलाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। अब दो चीजें आपने याद रखनी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब जो है इसका स्टार्टिंग बालदार हिस्सा है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स इसका जो है एंडिंग बालदार हिस्सा है जो कि कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर आता है। यहां से जो इंप्योरिटीज जो हो चुकी होती है, यूरिन की फॉर्मेशन हो चुकी होती है, वो इस कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर आता है, और यहाँ पे बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट्स जो है इस एरिया के अंदर शामिल होती हैं, और ये उसके बाद जो है ये लेकर जाती हैं यूरिन को यूरिटर्स की तरफ, और यूरिटर इसी जो इम्प्योरिटीज वाला यूरिन है, ठीक है, जिसके अंदर कैल्शियम एक्सोलेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, जितने भी फास्फेट मादे हैं वो जाते हैं स्टूडेंट्स मिक्स होके वाटर के अंदर, यानी यूरिन की फॉर्मेशन की सूरत में जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर जो है इनको बाहर एलिमिनेट कर देता है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो था वो इसके किडनी के स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में था। इंशाल्लाह जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।